हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत दिनों बाद मैं कुछ इस तरह से बैठ के कोई भी वीडियो शूट कर रही हूँ, स्पेशली मेरे लास्ट ब्लॉग के बाद या मेरे लास्ट वीक मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ, जो स्कैम हुआ, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो एक वीक मैंने किस तरह से बिताई है ये मैं आपको शायद वर्ड्स में बता ही नहीं सकती। सिर्फ खुद को मैं ब्लेम कर रही थी कि यार मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर दी, मैं कैसे किसी के झांसे में इतनी इजीली आ गई। बिना सोचे समझे मैंने अपनी सेविंग्स का एक लाख रुपये मैंने एक ऐसे इंसान को दे दिया जिसे मैं जानती नहीं। तो बात कर रही हूँ मैं मेरे साथ एक हफ्ते पहले यानी 22 अप्रैल को हुए एक स्कैम की। इसका मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाकर मैंने अपलोड किया था, सिर्फ इसी होप से कि उस वीडियो को देखकर अगर आप में से कोई भी मेरी हेल्प करेगा, मुझे गाइड करेगा कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ कंप्लेन करना है, तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा एंड उसका मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। आप सब ने मुझे इतने सारे कमेंट्स के, इतने सारे सजेशन दिए, उन सब के लिए थैंक यू सो मच। उस ब्लॉग को देख के मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे कॉल किया, मुझे समझाया कि रितिका प्लीज़ खुद को ब्लेम मत करो, तुम्हारी गलती नहीं है, हो सकता है तुम्हारा टाइम खराब था, तुम उनके झांसे में आ गई, ये किसी के साथ भी हो सकता है। बट मुझे पर्सनली बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि मैंने अपने पैसे के साथ साथ आकार के भी पैसे डुबो दिए और एक ऐसे इंसान को दे दिया जिसे मैं नहीं जानती। तो जिन्होंने मेरा वो लास्ट व्लॉग नहीं देखा है उनके लिए मैं बता दूं कि 22 अप्रैल को मेरे साथ एक स्कैम हुआ। तो हुआ यूं कि मेरे पास व्हाट्सएप पे एक US नंबर से कॉल आया और ये कॉल मेरे CEO के नंबर था। नंबर एग्जैक्टली उनका नहीं था बट क्योंकि वो US का था और मेरे CEO भी US में रहते हैं, उन्हीं की DP थी, मेरी वेबसाइट का लोगो था, तो मुझे लगा कि शायद सर ने ही मुझे कॉल किया है। उसके बाद मैंने वो कॉल पिक किया बट दूसरे साइड से मुझे कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं मिला, तो मैंने कॉल डिसकनेक्ट कर दिया। उसके बाद व्हाट्सएप पे उनके मैसेजेस आने लगे कि रितिका मैं एक मीटिंग में हूँ, क्या आप मुझे हेल्प कर पाओगे, मुझे मेरे क्लाइंट्स को कुछ वाउचर्स देने हैं। पहले उन्होंने सिर्फ मुझसे 50,000 के वाउचर्स मांगे, यानी 5,000 के वाउचर्स मांगे और वो भी अमेजोन पे से, एप्पल वाउचर्स। वो बार बार चैट में लिख रहे थे कि डोंट वरी, मैं आपके पैसे रिटर्न कर दूंगा जैसे ही मेरी मीटिंग खत्म होगी। तो मैंने उन पर बिलीव किया और मैंने वो ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट कर दिया। जैसे मेरे 50,000 मैंने वाउचर्स खरीद के उनको दे दिए स्क्रीनशॉट के साथ, उन्होंने मुझसे और 50,000 का डिमांड किया। मुझे लगा ठीक है, हो सकता उन्हें और चाहिए होगा। मैंने वो फिर से उनको वैसे ही परचेज करके अमेजोन पे से एक एक वाउचर खरीद के उनके स्क्रीनशॉट में दे दी गई और वो उन्हें मिलता गया। तो कुछ इस तरह से मैंने टोटल 20 वाउचर्स खरीदे अमेजोन से एप्पल के। थोड़ी देर बाद उनका फिर से मैसेज आया कि मुझे और 1,00,000 की ज़रूरत है, 1,00,000 और वाउचर्स की ज़रूरत है। तब मुझे कहीं ना कहीं डाउट हुआ कि यार कुछ गड़बड़ है, ये मेरे सर नहीं है, वो इतने पैसे मुझसे नहीं मांगेंगे ऑफकोर्स। तब मैंने उनसे डायरेक्ट कॉल किया उन्हें टीम्स पे और तब मैंने उनको ये सारी बातें बताई और उन्होंने मुझे कहा कि रितिका आप स्कैम में फंस गए हो, मैं वो नहीं हूँ जिनसे आप व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो। पूरा वीडियो मैंने ऑलरेडी इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने बताया था। वो दिन और आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। मतलब ये मेरी लाइफ का शायद सबसे बड़ी मेरी गलती थी या मेरी बेवकूफ़ी कह लो, जो भी आप कह सकते हो। मैं कैसे फंस गई जबकि हम और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आजकल ये स्कैम होते हैं, बट मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे कर दिया। तो आज का ब्लॉग बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद ये है कि जो गलती मैंने की वो आप में से कोई मत करो। मुझे जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हो गया तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे कॉल किया
और उन सब ने अपने साथ हुए जो जो उनके साथ स्कैम हुए वो सारी डिटेल्स मुझसे शेयर करने लगे। तो मुझे लगने लगा कि यार ये सारी चीजें तो हमें पता ही नहीं थी कि अच्छा इस तरह से भी कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं। वो सारे इंसिडेंट सुनने के बाद मुझे लगा यार मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए और आप तक ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए ताकि आप भी अवेयर हो जाओ और आपको कोई भी अगर इस तरह के कॉल करे, मैसेजेस करे, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको उनको इंटरटेन नहीं करना है। अब बताती हूँ कि जब मेरे साथ ये स्कैम हो गया तो मैंने जो फर्स्ट स्टेप था वो मैंने क्या किया, तो मैंने आकार को बताया सारी इंसिडेंट। हालांकि उनको पहले भी पता था कि मैं ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन कर रही हूँ, बट क्योंकि वो मेरे पास यहाँ पे गुड़गांव पे नहीं थे, वो अपने घर गए हुए थे कानपुर में, तो वो दूर से उतना समझ नहीं पाए कि मेरे साथ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और मेरे साथ मेरे घर में कोई नहीं था, मैं अकेली थी जिससे मैं ये चीजें शेयर करती। शायद यही वजह है कि मैं ज्यादा ब्लाइंडली उन पर बिलीव कर गई। जैसे ही मुझे रियलाइज हुआ कि यार मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया, उस टाइम पे मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, किसको कॉल करूँ, क्या करूँ। फिर आकार ने मुझे कहा कि जो होना था हो गया, अब ये सोचो कि आगे करना क्या है। सो हम लोगों ने थोड़ा सा नेट पे सर्च करना स्टार्ट किया और सबसे पहले जो मैंने किया वो मैंने एप्पल कस्टमर केयर को कॉल किया, और वो भी इसलिए क्योंकि जो वाउचर्स मैंने खरीदा था अमेज़न से वो एप्पल के थे, तो मुझे लगा कि सबसे पहले जो वाउचर्स मैंने खरीदे हैं उन्हें ब्लॉक करना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो यूज़ ना कर पाए। यही रीज़न था कि मैंने सबसे पहले कस्टमर केयर को कॉल किया, उन्हें सारी डिटेल्स बताई और उन्होंने मुझे एक ईमेल आईडी दी और मैंने सारे वाउचर्स के जो स्क्रीनशॉट थे वो मैंने उन्हें मेल किया। उस मेल को करने के बाद उन्होंने जितने भी वाउचर्स थे 20 वाउचर्स वो सारे उन्होंने ब्लॉक कर दिए। बट हाँ, जब नेक्स्ट टाइम मैंने अपडेट लेने के लिए उन्हें कॉल किया तो उनका जो रिप्लाई था वो सुन के मैं बिल्कुल हैरान थी। और उन्होंने मुझे कॉल पे जो बताया वो ये था कि मैम आपने जब तक मुझे कॉल किया था, मतलब हमारे एग्जीक्यूटिव को कल रात में, तब तक वो सारे वाउचर्स यूज हो चुके थे। और मेरा रिप्लाई था कि यार मैंने तो आपको 10-15 मिनट के अंदर ही कॉल किया था। तो उन्होंने कहा मैम तब तक सारे वाउचर्स यूज हो चुके थे और ये वाउचर्स यूज हुए हैं चाइना के किसी गेम के लिए, और उस गेम का नाम था गेम ऑफ पीस। कुछ तो उस गेम के लिए यूज हुए हैं, कुछ सॉन्ग्स को खरीदने में हुए हैं। अब इसका क्या मकसद है ये मुझे नहीं पता, उन्होंने क्यों ऐसा किया। अब उस वाउचर के जो उन्होंने खरीदा उसको वो पैसे में कैसे कन्वर्ट करेंगे मुझे उसका भी कोई आइडिया नहीं है। बट हाँ, मुझे एप्पल वालों ने यही कहा कि मैम इसके बाद हम आपको कुछ भी अपडेट नहीं दे पाएंगे, हमारी तरफ से इन्वेस्टिगेशन में यही आया है कि जो भी वाउचर्स थे वो यूज हो गए हैं और वो गेम और सॉन्ग्स को खरीदने में यूज हुए हैं। तो मैंने जो नेक्स्ट कॉल किया वो था साइबर क्राइम हेल्पलाइन पे और उसका नंबर है 1930। वहाँ मैंने अपनी सारी डिटेल्स उनसे शेयर की और उन्होंने मेरी एक कंप्लेंट भी कॉल पे ही रजिस्टर की। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप एक कंप्लेंट रजिस्टर कर दो हमारे पोर्टल में भी, यानी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में। उस पोर्टल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाके मैंने प्रॉपर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर की और कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन के बाद मेरे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक कंप्लेंट नंबर भी आया है। उस कंप्लेंट पे मैंने प्रॉपर डिटेल्स उनको दी, जो जो ट्रांजेक्शन हुए वो सारी डिटेल्स उसमें थी, वो फोन नंबर था जिस फोन नंबर से मुझे कॉल आया था प्रॉपर मैंने मेल कर किया उन्हें, और उसके बाद मुझे वो कंप्लेंट नंबर मिल गया। वो कंप्लेंट नंबर मैं आज भी उस पोर्टल पे जाके चेक करती हूँ कि मेरा जो कंप्लेंट है उसका स्टेटस क्या है। तो ये कुछ एक्शन थे जो मैंने इमीडिएट बेसिस पे उस टाइम पे लिए थे। अब मैं बात करती हूँ कि नेक्स्ट डे मैंने क्या किया। तो नेक्स्ट डे जब मैंने मेरे फैमिली से ये सारी प्रॉब्लम्स शेयर की तो मेरे जीजा जी जो नोएडा में रहते हैं वो आए मेरे पास और उन्होंने मुझे
बहुत ज़्यादा हेल्प की। मैं वो गए, हम लोग दोनों गए एसीपी के पास। उन्होंने मुझे एक बात कही कि मैम आप अपनी बात कर रही हैं, इस तरह के कॉल्स तो हमारे पास भी आते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन हमें कोई ना कोई कॉल करता है। तो मुझे लगा कि यार जब इनके पास आ रहा है तो हम लोग तो आम लोग हैं, हमारे पास तो आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि आपकी तरह हर रोज 1500 से 2000 लोगों की कंप्लेंट आती है हमारे पास इसी तरह स्कैम की। और ये सुनकर ना मुझे लगा कि यार जब इतनी ज़्यादा कंप्लेंट आती है हर दिन, उसमें मेरी कंप्लेंट का क्या होगा मुझे पता नहीं। बट फिर भी मैंने वहाँ पे उनको कंप्लेंट का सारा डिटेल बताया और उन्होंने मेरा जो कंप्लेंट था वो मानेसर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पे ट्रांसफर हो गया था, उसका मेल मेरे पास आ गया था। तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ के HOD से बात कर लीजिए। और हम लोग वहाँ गए और उन्होंने मेरी पूरी चैट पढ़ी, हमारा पूरा जो भी मैंने डिटेल मैंने उनसे बताया कि क्या क्या हुआ और वो सारा सब कुछ उन्होंने नोट किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपकी कंप्लेंट ऑलरेडी हमारे पास है, उस पर ही हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे। तो वन वीक तो ऑलमोस्ट हो गए हैं मेरे, बट अभी तक मेरे पास वैसा कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया नहीं है। आएगा भी या नहीं मुझे ये भी नहीं पता ऑनेस्टली, बट हाँ मैं वेट कर रही हूँ कि शायद मेरी हेल्प हो पाए, शायद वो जिसने किया है उसको पकड़ पाए, बस मैं होप ही कर सकती हूँ। इस ब्लॉग को बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि आप तक मैं ये बता पाऊँ, आपको मैं अवेयर कर पाऊँ कि आजकल जो स्कैम चल रहे हैं आप उनसे कैसे बचें, और अगर आपके साथ स्कैम हो गया है तो आपको क्या एक्शन लेना है, कहाँ कॉल करना है, कहाँ कंप्लेंट करना है। यही रीज़न है कि मैंने ये ब्लॉग बनाने का सोचा। मैं ये पर्सनली चाहती हूँ कि आप ये वीडियो अपने फ्रेंड रिलेटिव सब में शेयर करो ताकि अवेयरनेस बढ़े। अगर आपको कुछ सिचुएशन का पता होगा कि एक स्कैमर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करके आपको कॉल करेगा, तो कहीं ना कहीं अगर कभी भी आपको इस तरह के कॉल या मैसेजेस आएंगे तो आपको एक टाइम के बाद जरूर लगेगा कि यार मुझे इन पर विश्वास नहीं करना है। अगर वो आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव का नाम लेकर आपको मैसेज या कॉल कर रहे हैं, सो मेक श्योर कि आप उन्हें पर्सनली कॉल करके कंफर्म करें, तभी आप उनको फाइनेंशियली कोई भी हेल्प कीजिए। वरना मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी, किसी भी अननोन पर्सन को कोई भी पैसे ट्रांसफर मत कीजिए। एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि देखो स्कैम किसी के साथ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। एक बात हमेशा याद रखिए कि जो भी स्कैमर है वो जब आपको कॉल या मैसेज करता है उसके पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद होती है, उन्हें पता होता है कि आप कहाँ पे जॉब करते हैं, आप क्या क्या आपके डिटेल्स उनके पास पूरी होती है, आप किन से सबसे ज़्यादा बातें करते हैं, चाहे वो ऑफिस से रिलेटेड हो या आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो। कई बार होता है कि हम लोग किसी भी UPI में ट्रांसफर कर देते हैं पैसे या बारकोड में स्कैन करके हम लोग चीज़ें खरीदते हैं और आराम से उसमें ट्रांजेक्शन करते हैं। बट मेक श्योर कि जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन UPI या बारकोड से करें उस पर एक बार नाम ज़रूर कंफर्म करें जो भी सेलर है। तो मेरी ही एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि एक बार वो सब्जी मंडी में गए थे और उन्होंने सामान खरीदा, उस सामान को खरीदने के बाद उन्होंने बारकोड पे स्कैन करके पैसे ट्रांसफर किए, आराम से वो घर आ गए सामान लेकर। कुछ ही देर बाद उन्हें एक कॉल आया किसी अननोन नंबर से और उन्होंने कहा कि मैम अभी आप पे कुछ सामान लेकर गई हैं और मैंने गलती से आपको कुछ पैसे 10,000 ट्रांसफर कर दिए, क्या वो पैसे आप मुझे रिटर्न कर देंगी।
उसने बिना सोचे समझे उन्होंने अपना अकाउंट बैलेंस भी एक बार भी चेक नहीं किया कि यार मुझे पैसे आए भी हैं या नहीं, और उन्होंने वो 10,000 उन्हें रिटर्न कर दिया ये सोच के कि हो सकता है यार गलती से उसने मुझे यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। तो ये सारे सिचुएशन वो क्रिएट करेंगे, बट बिल्कुल भी उन पर बिना रीचेक किए उन पर भरोसा मत कीजिए। कुछ सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि आपको मैसेजेस आए और आपको इसमें ये होगा कि 2,000 रुपए आपको मिलेंगे इस लिंक पर क्लिक करें, किसी भी अननोन लिंक पर या वेबसाइट पर बिना सोचे समझे क्लिक मत कीजिए। आप जैसे ही उन अननोन किसी भी अनजाने लिंक पर क्लिक करेंगे और आपके पैसे तुरंत किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। द हिंदू में छपे एक आर्टिकल में एनसीआरपी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि 2023 में ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का फ्रॉड पूरे इंडिया में हो चुका है। 2024 की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। उस रिपोर्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। हाल ही में एक न्यूज आई थी जिसमें बेंगलोर में एक लॉयर और एक रिपोर्टर के साथ फेडेक्स स्कैम हुआ था, जिसमें लॉयर के 15 लाख रुपए का उनके साथ फ्रॉड हुआ था और वहीं एक रिपोर्टर के साथ ऑलमोस्ट 1.2 करोड़ का फ्रॉड हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये फेडेक्स स्कैम होता क्या है, तो आप में से बहुत सारे लोग ऑलमोस्ट जानते भी होंगे, बट ये मैं उनके नॉलेज के लिए बोल रही हूँ जिन्हें नहीं पता है। तो फेडेक्स स्कैम में आपको एक कॉल आएगा अननोन नंबर से और वो आपको कहेंगे कि मैं फेडेक्स कस्टम ऑफिसर बात कर रहा हूँ, आपका एक कोरियर है हमारे पास और उसमें कुछ इलीगल चीज है। आपको ये लगेगा कि यार ऐसा कौन सा कोरियर है जिसमें इलीगल चीज है, आप इतना ज्यादा परेशान हो जाओगे कि वो आपको जितने भी पैसे डिमांड करेगा आप वो उनको दे दोगे। तो ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हाल ही में मेरे एक फ्रेंड के साथ जो कि लॉजिस्टिक में जॉब करते, उनके साथ भी सेम सिचुएशन हुई थी। उन्हें भी किसी ने कॉल किया था फेडेक्स कस्टम ऑफिसर बन के और उनसे कहा था कि आपका एक कोरियर है हमारे पास जिसमें ड्रग्स मिले हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है आप स्काइप में आइए, आईडी ये है। तो आईडी में कुछ उनका जो नाम था xyz@gmail.com उसी को देखकर मेरे फ्रेंड को डाउट हुआ कि यार गवर्नमेंट कभी भी अपना जो भी उनका ईमेल आईडी है, गवर्नमेंट जो भी ऑफिसर्स हैं उनका ईमेल आईडी कभी भी gmail.com से नहीं होगा। और उनका वो शक बिल्कुल सही था, वो कोई भी कस्टम ऑफिसर नहीं था, वो कोई अननोन ही था और मेरे फ्रेंड बच गए, उनके साथ कोई भी ऐसा फ्रॉड नहीं हुआ। कई बार देखा गया है कि स्कैमर आपको कॉल करते हैं और आपसे पूछते हैं कि क्या आपको जॉब की जरूरत है, और अगर आपका आंसर हाँ होता है तो वो आपसे कुछ पैसों की डिमांड करते हैं और आप उस सिचुएशन में होते हो कि आपको लगता है कि यार मुझे जॉब चाहिए तो कुछ पैसे हैं मैं दे देता हूँ, क्योंकि वो प्रॉमिस करते हैं आपको कि यार मैं 10 से 15 दिन में आपको जॉब दे दूंगा और वो आप पैसे उनको दे देते हो। तो किसी को भी इस सिचुएशन में भी कोई पैसे नहीं देने हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे आप इजीली जॉब्स सर्च कर सकते हो। एक चीज है कि जब भी आपके साथ कोई भी स्कैम हो तो मेक श्योर कि आप सबसे पहले लोकल पुलिस स्टेशन में भी जा सकते हैं या साइबर सिक्योरिटी पुलिस स्टेशन जाइए या फिर एनसीआरपी की वेबसाइट में कंप्लेंट लॉन्च कर दीजिए। मुझे नहीं पता कि उनका आपको रिस्पॉन्स कैसे और कब मिलेगा, क्योंकि मैं खुद भी अपने जो भी मैंने कंप्लेंट किए उसका वेट कर रही हूँ, बट जो प्रोटोकॉल्स है वो तो हमें फॉलो करने ही पड़ेंगे। क्या पता आपका लक अच्छा हो और आपकी कंप्लेंट पर प्रॉपर कार्यवाही हो, पता चले कि यार किसने आपके साथ किया और हो सकता है कि आपके जो भी पैसे हैं वो आप तक आपको मिल भी जाए। एंड में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि किसी को भी पैसे ट्रांसफर करने से पहले एक नहीं 10 बार सोचिए, ये सोचिए कि आप जिसे पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं वो सही है या गलत, या आपके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है। मेरे इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद था ताकि आप तक
ये इन्फॉर्मेशन मैं पहुंचा पाऊं कि आजकल किस तरह से लोगों के साथ स्कैम हो रहा है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव सब में शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और उनके साथ स्कैम होने से वो बच जाए।